वैसे एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादातर मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स को लव भी जल्दी हो जाता है। पैदल नहीं है मसलन आप ट्रेन पे, ठीक है ना, पैदल आएंगे तो पटरी पे पीछे ट्रेन आएगी वो आपको मार के चली जाएगी। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ज्यादा एंटरप्रेन्योर गोरे होते हैं और ज्यादा खराब शादियां भी गोरों की होती हैं। ज्यादा हिट एंटरप्रेन्योर गोरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय एजी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। सलमान भाई से एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हम बड़े टेक्निकल किस्म के सवाल पूछते ही चले जा रहे हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, और वो भी बताते जा रहे हैं, उनकी शराफत है। लेकिन आज मैं उनसे ये पूछने वाला हूँ, सलमान भाई आज मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पे शुरू, एक तो वो वाले लोग होते हैं जो जिनको जनरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाती है कि गल्ले पे बैठे हैं, माशाल्लाह ट्रिक इधर पड़ा है कि आए हैं और गल्ले पे बैठ गए हैं तो जी एंटरप्रेन्योर कहलाए जा रहे हैं। लेकिन एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी बनानी होती है, और उस बनाने वाली जर्नी में अमूमी तौर पर वैसे एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादातर मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स को लव भी जल्दी हो जाता है और फिर शादी भी उनकी हो जाती है। तो एक एंटरप्रेन्योर या एक अच्छे बिजनेसमैन की ज़िंदगी में एक स्पाउस क्या रोल प्ले करती है, क्योंकि जब बंदा फोकस की तरफ जाता है तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि गेट मैरिड, बी डन विद इट एंड देन फोकस ऑन द गोल्स। एंटरप्रेन्योरशिप टाइम मांगती है, तो उस चक्कर में एक स्पाउस आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है, इस पे सलमान भाई से आज रोशनी डलवाएंगे। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा सच सच बोलना है सारा जी ये, अच्छा हमारा मकसद है हम सच्ची सच्ची बात थ्राइविंग एंटरप्रेन्योर्स को पहुंचा दें। बीवियां भी देख रही होंगी ना? वो तो बिल्कुल देखेंगी। स्पाउस के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है जो गोरे इस्तेमाल करते हैं, वो तो मुझे मज़ा नहीं है उसमें आता, इंग्लिश में तो इस वर्ड का मज़ा नहीं है, जो उर्दू में है वो है शरीक हयात। वो आपकी हयात की शरीक है और आप उसकी हयात के शरीक है, यानी कि आप उसके जिंदगी हयात उसकी जो ज़िंदगी है उसके शरीक है। अब ज़िंदगी में जो शिरकत कर ले आपकी, आपको उसके, आप उसकी ज़िंदगी में वो आपकी ज़िंदगी में, तो फिर तो उसका किरदार बहुत अहम हो जाता है। अब जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं या कोई भी बंदा जिसके पास एक क्रिएटिविटी हो, या देखिए इंटरप्रेन्योर की जो तारीफ़ है ना, सूसन आज लोग ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूँ ज़रा इसकी छोटी बड़ी जो है ना वो तारीफ़ भी करते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप कहते किसे, हर वो बंदा जिसके पास एक आइडिया हो जिसके ज़रिए वो कुछ बदलाव कर सके और अपने ओन पे कर सके, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो बीवी का किरदार भाईजन ये होता है कि घर से बंदा जो है वो अगर जहन उसका साफ ना होना या घर से अगर टेंशन में हो तो वो बंदा कभी बिजनेस तो क्या कुछ भी नहीं कर सकता, नौकरी भी नहीं कर सकता। तो एक बीवी का किरदार, चूँकि एक एंटरप्रेन्योर का कोई टाइम टेबल नहीं होता, उसका कोई ऐसा वक्त नहीं होता जिस पे उसने खाना है, उठना है, सोना है, जागना है, तो उसकी सारी ज़िंदगी वर्किंग वर्कहोलिक किस्म का बंदा होता है ना, और सुसन स्टार्ट पे तो वो होता ही वर्कहोलिक है बहुत ज़्यादा किस्म का। तो उस टाइम बीवी अगर अपना टाइम सेक्रीफाइस करे, जो भी बीवी या जो भी शरीक हयात है, अगर वो औरत एंटरप्रेन्योर है तो उसका मर्द, और अगर मर्द एंटरप्रेन्योर है तो उसकी बीवी, तो अगर अपने टाइम को सेक्रीफाइस करके, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक बीवी का टाइम है, उसको चाहिए कि उसका आवंत घर पे आए या उसका शोहर घर पे आए, उसको कहीं लेकर जाए फिर आए यहाँ पे, या उसको टाइम दे, आप उसी टाइम को किल करके अपने काम में, आप अपनी बीवी के टाइम को एक्चुअली किल करके, तो आप जो है वो बाहर टाइम दे रहे होते हैं, काम को टाइम दे रहे होते हैं। तो अगर बीवी अगर आपके साथ वो इस चीज़ के ऊपर समझौता ना करे, या वो इस पर आपके साथ आपके इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करे, या इस पर आपका साथ ना दे, तो आप कभी बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो एक स्पाउस का किरदार वैसे ही है कि जैसे आपका कोई हेल्पर है जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसमें आपको आइडियाज़ को राइट डाउन करने में मदद कर रहा है, ये उसका किरदार है एक्चुअली। वाई राइट डाउन, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपके मेमोरीज़ में रहती हैं वो कई दफ़ा आपको याद भी नहीं रहती। बिल्कुल। अगर आपने कुछ चीज़ें, मसलन हम कई चीज़ें दिन में सोचते हैं, काम करें, इस पर करें, उस पर करें, लेकिन जब वो चीज़ें हम उस पर अमल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको पेन डाउन नहीं किया होता। पेन डाउन का मतलब क्या है? पेन डाउन का मतलब यह है कि आपने उसका कोई खाका नहीं बनाया होगा, या आपने उसको कोई जिद्दत नहीं दी होगी, या आपने उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, कोई या कोई रंग नहीं भरे होंगे उसके, अगर स्ट्रक्चर भी है तो रंग नहीं भरे होंगे,
तो बीवी का, बीवी उसी तरीके का किरदार अदा करती है आपको सुकून दे के कि तुम मेरी टेंशन ना लो, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत लगे तुम जा सकते हो, काम कर सकते हो, एंड जब तुम खुद कहोगे कि तुम इजी हो तो मैं तुम्हारे पास तो हूँ ही हूँ। तो ये चीज़ एक ऐसे इंसान को इतना बहादुर कर देती है, क्योंकि घर का खाना वो है कि मैंने आपको पहले बता दिया, अगर यहाँ से सुकून नहीं तो कहीं से सुकून नहीं। तो अगर यहाँ से अगर आपको बहादुर कर देती है वो, या कर देता है वो, तो फिर आप जो एक चीज़ दिन में एक दफ़ा सोचना चाहते हैं ना, और एक और बात आपको बताता चलूँ, वो फिर आप एक दिमाग से नहीं सोचते एक्चुअली, वो आप दो दिमागों से सोचते हैं। अब आपकी बीवी चाहे वो नहीं सोच रही जो आप सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि उसने आपको ताकत दे दी अपने दिमाग की भी, क्योंकि आपके जहन में भी स्ट्रेस होगा मेरी बीवी है, मैंने टाइम देना है, मैंने ये टाइम उसके लिए मखसूस करना है, तो जब उसने उधर से ही आपको आज़ादी दे दी, तो आप फिर एक दिमाग के साथ नहीं, आप दो दिमागों के साथ सोचते हैं, बिकॉज यू थिंक यू आर स्टिल इन द एयर, और आप उड़ रहे हैं और आपके पास है जगह। तो फिर बीवी के आगे ही शुरुआत में ही सेक्रीफाइसेस नहीं है, या जो भी स्पाउस है उसके शुरुआत में सेक्रीफाइसेस नहीं है, फिर आगे जाकर जैसे ही आपको कुछ फेम मिलना शुरू होता है या आपको बिजनेस ज़्यादा आना शुरू होता है, तो फिर आपका उसका और सेक्रीफाइस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास दुनिया की आपने हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जो आप अपनी औकात में रहते हुए दे सकते हैं, बट आप उसको जो चीज़ नहीं दे सकते वो टाइम है, जिसकी सबसे ज़्यादा भूखी है। बिल्कुल। तो जब आप उसको टाइम नहीं देते और वो फिर भी आपके सामने मुस्कुरा कर और आपकी खुशी में खुशी होकर और आपके सामने सच बन के आती है और आपको कहती है आपने टेंशन नहीं लेनी, हालांकि उसने आपकी औलाद को भी पालना है आपके सब, तो फिर आपका सीन और चौड़ा है होता है। तो इस ऐसे मौके पर जब बंदा फिर एक मौके पर पहुँच जाए अपने बिजनेस के लेवल पर कि जहाँ पर वो अपनी तवानाइयों को उस हिसाब से सर्फ ना करे जिस तरह पहले चाहिए थी, लिहाजा लेट्स सपोज पहले उसको ये पता था कि मैंने एक दुकान लेनी है, दुकान के अंदर एक वो फलाना सामान डालना है, ये करना है, वो करना है, फिर नेटवर्किंग करनी है वो, तो जब एक चीज़ ऑटोमेशन पे आ जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो वापस जो सेक्रीफाइस उसने किया था, अब दिस इज़ हिज टाइम टू सेक्रीफाइस। क्योंकि जब आपके पास एक एंटरप्रेन्योर वो है, मैं पहली पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, जिसके पास पैसा भी है, इज्जत भी है, टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो जो बहादुर बंदा होगा ना, वो अपना जब उसी टाइम में से जब वो किसी मुकाम पर पहुँच गए तो, या मुकाम पर पहुँच और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हल हो रही हैं, तो जो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी या बच्चों को, या अपने खावंद या अपने बच्चों को टाइम देना शुरू कर देगा, मैं कहता हूँ वो रियल एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। और एक रियल एंटरप्रेन्योर की लाइफ जो है वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स में रहती है, तो बीवी उसकी वही साथ मुखलिस होती है जो अप्स एंड डाउन्स में उसके साथ हमेशा चलती रहे, कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमन, and behind every unsuccessful man there is 2-3-4 many women's right। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमने काम को टाइम देना है, हम शादी करते ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी सारी तरक्की और हमारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू ही शादी के बाद हुई है। तो कब शादी करनी चाहिए एक बंदे को, लेट्स सपोज एक एंटरप्रेन्योर है, उसको कब शादी कर लेनी चाहिए? मैं, मुझसे जो ये सवाल करता है उसको मैं कहता हूँ जब प्यार हो जाए। देखिए ये तो मैं ऐसी बात कहूंगा, देखिए मैं ये नहीं कह सकता किसको कब शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप करियर अपना स्टार्ट कर चुके हों, बट ये लाजमी कीजिएगा बात मेरी, कोट रील्स भी बना लीजिएगा इस पर कि जब एक बंदा अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुका हो, गोल सेट कर ली हो, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मैरिज, चाहे तरक्की नहीं भी आई। मैंने कहा जब उसने गोल सेट किया, तरक्की तो टाइम के साथ आती है। आपको एक बात बताता हूँ, आपकी तरक्की आ गई, आपने काम शुरू कर दिया, शादी करती एक महीने के अंदर या दो महीने के अंदर काम बंप हुए थे, क्या कर लेंगे आप? तब क्या प्लानिंग करेंगे आप? ठीक है, टेल मी ना। और क्या पता कि अल्लाह ने आपके साथ रिजक ही ऐसा लिखा हो कि ये आएगी या ये आएगा जिंदगी में, तो आपका रिजक, क्योंकि आपके सितारे मिल जाते हैं, आपके नसीब मिल जाते हैं, तो उसके साथ ही शायद रिजक ही आपको उसके साथ जुड़ा हो, फिर क्या करें? ठीक है, तो जब आप गोल सेट कर लें तो जैसे ही आप पटरी पे, पहली बात, पहले नंबर वन कि आप पटरी पे चल पड़े, नीचे पटरी भी बना दीजिएगा, मैंने जब ये कहा, हाँ जी ठीक है, तो आप एक पटरी पे चल पड़े, पैदल नहीं है मसलन, आप ट्रेन पे, ठीक है ना, पैदल आएंगे तो पटरी पे पीछे ट्रेन आएगी, वो आपको मार के चली जाएगी तो जब आप पटरी पे एक आप पहुंचेंगे, लेकिन बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे आज यूं करके, तो और ये बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है। तो अगर आपने गोल सेट कर लिया है एंड यू आपने पहले पटरी पे चढ़ गया, आपको पता आपने करना क्या है, क्या कहा मैंने? ठीक है, आपको पता आपने करना क्या है, यू आर सर्टेन, ओके, और आप अब आपने जब उस पटरी पे चल गए और आपने गोल सेट कर लिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तब ही आपको
घर से अगर सुकून मिलेगा, आपकी 100 नीड्स होती हैं। अब जारी बात है, जब आप 20-22 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब है वालदैन बूढ़े होना शुरू हो गए, तो अब उनको तकलीफ देने से अच्छा है कि आपकी अपनी ज़िंदगी, अल्लाह ने यही कहा है जैसी जवान हो शादी करो, कानून खुदा आप बालिग होते ही शादी करो। तो अगर आप बालिग हो गए हैं, यू आर एडल्टहुड में हैं, और आप अब बिजनेस भी आप ये भी सोच रहे हैं, वैसे इस्लाम में शर्त नहीं है कि आप कमा रहे हो तो आप शादी करें, नहीं, ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इस्लाम में ये शर्त नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि जैसी बालिग हो जाओ शादी कर दो, क्योंकि अल्लाह ने ये रिज्क रखा है कि रिज्क जो है शायद आपके उसके, अल्लाह ने सिस्टम रखा है कि रिज्क जो है वो जो शायद उसी के नसीब का है या जो आ रहा है घर पे। जैसे एक बड़ी मशहूर कहावत है, मेहमान अगर घर आता है तो अपना रिज्क लेकर आता है, तो जो मेहमान घर रिज्क लेकर आता है तो जो खाना खिलाने वाली है, जिसने रिज्क खिलाना उनको मेहमान अगर आए तो वो आएगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह नसीब बदलेगी। तो इस फेथ के साथ कि आप जल्द अज जल्द, मैं ये कहूँगा द बेस्ट एज इज़ टू गेट मैरिड इन दिस एरा इज फ्रॉम बिटवीन 21 to 25, ये गोल्डन एज है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 25 साल की उम्र में शादी करते हैं, अल्लाह आपको 26 साल की उम्र में औलाद से नवाजता है, तो जब आपका बेटा 18 साल का होगा, यू विल बी ओनली 44, तो आप कैसे लगेगा कि जैसे यंगर ब्रदर है, या बेटी है तो आपके लिए यंगर सिस्टर है। जनरेशनल गैप नहीं आएगा, और आपके उनके साथ काफ़ी हम मांगी भी होंगी, आप उनके साथ दोस्त की तरह बात कर सकेंगे, बात ही समझें। तो ये चीज़ बड़ी एक आगे जो है, लेकिन आजकल तो शादी पे नहीं, और आगे बस जो चीज़ें चल रही हूँ मैं क्या बयान कर सकूँ, उस पर ज़्यादा गौर है। अच्छा, आपके दो गोरे भी दोस्त हैं काफ़ी? मेरे ज़्यादातर हैं वो। हाँ, तो वहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योरशिप शादी साथ साथ नहीं चलते आमतौर? किसने कहा? मेरा एक दोस्त है, उसकी इज अ क्लाइंट टू, बहुत बड़ी कंपनी है वो, ही गॉट मैरिड व्हेन ही वाज 25 और नाउ ही गॉट 3 sons 1 daughter। और एक दोस्त है उसका, दूसरे का भी सुन ले, उसकी उम्र 49 है, वो अभी तक मैरिड नहीं है। तो दैट इज समथिंग। और अच्छी बात एक और मजा लें कि ये दोनों एक ही कंपनी में पार्टनर, यानी आप कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, इसका ताल्लुक ही नहीं है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि ज्यादा एंटरप्रेन्योर गोरे होते हैं और ज्यादा खराब शादियां भी गोरों की होती है। ज्यादा हिट एंटरप्रेन्योर गोरे होते हैं, सॉरी, वारे वाह। हाँ जी, यानी कि उनको हिट किया जाता है, दैट इज समथिंग। इट्स नॉट मीन्स कि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो गोरे ही हैं, नहीं, अच्छे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो हर जगह होते हैं, हिट हो जाते हैं मार्केटिंग करके जरा, क्योंकि उन्हें बेस पसंद है। हाँ, दुनिया। हाँ जी, हाँ, बेबी हो गए। तो ये थे सलमान हसन, जो हमें बता रहे थे कि आपने कुछ कॉन्टेंट क्रिएटर्स को कहते हुए सुना होगा कि अगर तुमने अमीर होना है तो शादी कर लो। मैंने देखी ऐसी एक वीडियो, वो रिस्क से उसको जोड़ रहे थे, बट सलमान भाई अपने तजर्बे से हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यस, वन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर। और अगर आप इस वजह से शादी रोक के बैठे हैं कि यार वो मेरा बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी मिथ्स को बस्ट करें। और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई कॉमेंट है, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स है, उस पर आ जाएं, कोई सजेशन देना चाहें या कोई बातचीत करना चाहें तो वहाँ पर आ सकते हैं। बेल आइकन का घंटा दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, और मिलते रहेंगे फिर आपसे पॉड टॉक्स विद सलमान हसन में। मैं हूं आपका बॉय एजी, ओवर एंड आउट।